वो इसलिए आदर्श गांव चुना है, ये बीजेपी का शुरू से गढ़ रहा है और यहाँ से जितनी बार भी यहाँ से चुनाव हुआ मेरे देखने में 77 से अभी तक कोई दूसरी पार्टी जीती नहीं है, इसलिए उन्होंने इस गांव को आदर्श गांव लिया। साल के ऊपर हो गया सब से घंटे घंटे चलते जा रहे हैं, पानी भर जाता है, गिरने का डर, गिरते ही है सर ना, आने जाने में कहीं ना अभी बारिश होगी तो गिर जाते हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं देखो बड़े बड़े, हाथ ध्यान ही नहीं दे रहे। वो हमने सुना था कि ताई के ने गोद ले रखा है तो अच्छा काम होगा, तो ताई ने भी क्या मालूम, ताई दिल्ली जाके बैठ गए और यहाँ कोई देखता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रखते। गांव में ताई जी को लेके आए थे, इस तरफ जो कीचड़ दिख रहा है यहाँ पे पूरे गांव में उन्हें मतलब पैदल घुमाया था, ताई ने वादा भी किया था इधर आके पैदल घूमी थी और उन्होंने वादा किया था कि हाँ मैं 3 महीने के अंदर यहाँ की गाँव में सड़क हो जाएंगी, उसके बावजूद भी ताई ने यहाँ पे सड़क नहीं बनवाई। शिक्षा के क्षेत्र में कहा था कि हाई सेकेंडरी स्कूल होगा यहाँ, जबकि यहाँ का हाई सेकेंडरी स्कूल भी नहीं है। यहाँ पर टीचर की बात करें तो टीचर भी बहुत कम है जो बच्चों को शिक्षा प्राप्त कर सके। मैं ताई जी से कहना चाहती हूँ कि वो हाई स्कूल बना दे और मैं आगे 10वीं तक पढ़ना चाहती हूँ। आठवीं के बाद में 9वीं से चंद्रावतीगंज 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है, तो जो सक्षम परिवार रहते हैं जी, जी, और जो पढ़ाई को महत्व देते हैं तो वो तो अपनी बालिकाओं को भेजते हैं वहाँ पे जी, जी, और अन्य जो रहते हैं वो उनको पढ़ाई से वंचित ही रहना पड़ता है घर पे बैठ के, मतलब कि उनको कितनी दूर वो भेज नहीं सकते उनके माता पिता। जैसे क्या है हमारे घर के सामने हम लाइट जलाते हैं और इसके बाद में अगर कहीं अंधेरा है तो मोबाइल की लाइट से चलती है। जो यहाँ पे बाथरूम वगैरह का पानी है वो सब सड़क पे जाता है और उसके कारण मच्छर वगैरह सबका और बच्चे अधिकतर इन मच्छर वगैरह से बीमार हो जाते हैं। थोड़ी बहुत जो गंदगी दिख रही है उसका कारण हमारे गांव में मवेशी बहुत है, इसलिए गोबर होता है और नालियाँ नहीं है तो नाली हमारे इसमें हमारे यहाँ प्रस्तावित है, जिसे हमारे पास फंड आएगा हम मेन रोड की नालियाँ बनाएंगे। इसमें मतलब सबसे बड़ी बात तो करीब 100 शौचालय बने हैं, उसके बाद में करीब 111 इंदिरा आवास गरीबों को मिले हैं, जिसमें करीब मुख्यमंत्री आवास है 40 और इसमें करीब 5 प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिले हैं, उसके बाद में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाद में पंचायत भवन है, स्कूल है, उसकी बाउंड्री है,